हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कौन सा वायर कहाँ पर यूज होता है इस बारे में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं 0.75 mm के बारे में। दोस्तों, ये अपना 75 mm का जो वायर रहता है। और दोस्तों, अपन इसके कलर कोडिंग की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें एक ही कोड आता है जो कि हरा रहता है। दोस्तों, ये इसका यूजिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, जो इसका यूज होता है वो इसका अर्थिंग के पर्पस से होता है। जैसे आपका सॉकेट होता है, सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में ये अपना अर्थिंग यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है 1 mm का वायर जो काफ़ी पॉपुलर है और दोस्तों ये और जो कि ज़्यादा काफ़ी यूज भी होता है। दोस्तों, इसके कलर कोडिंग की बात करते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी कलर आते हैं, काफ़ी मतलब मल्टी कलर आते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों, इसको कलर कोडिंग इतनी क्यों ज़्यादा दी गई है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें कलर कोडिंग इसलिए ज़्यादा दी गई है क्योंकि ये अपना कनेक्शन के अंदर यूज होता है। जैसे पॉइंट, अब दोस्तों आप पूछोगे पॉइंट क्या है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी छत है, जैसे जो होल्डर है, सीलिंग वगैरह रहते हैं, इसके अंदर यूज होता है ये वायर। छोटी मोटी आपकी झूमर हो चुकी है, जैसे मान लीजिए आपके जैसे छोटे मोटे काम के लिए ये 1 mm का वायर यूज होता है दोस्तों। दोस्तों, जो तीसरे नंबर का वायर आता है 1.5 mm का, मतलब 1.5 mm का वायर है दोस्तों ये। अब दोस्तों, मैं इस वायर के बारे में बता देता हूँ। कलर कोडिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर आते हैं, मगर ज़्यादातर यूज किया जाता है दोस्तों रेड और ब्लैक। जो ज़्यादा यूज किया जाता है इसमें वायर, रेड और ब्लैक की यूज किया जाता है। दोस्तों, जो अपना 1.5 mm का वायर है वो कहाँ पर यूज होता है वो बता देते हैं। तो दोस्तों, जो अपना 1.5 mm का वायर है, जैसे कि आपके एक कमरे में 4 बोर्ड को वर्क करवाने के लिए जे 1.5 mm का वायर यूज किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं 2.5 mm के वायर के बारे में, जो काफ़ी हैवी होता है। दोस्तों, इसके कलर कोडिंग की बात करते हैं तो दोस्तों, जो कलर कोडिंग है इसका, इसका मल्टी कलर है। आप इसको कोई से भी कलर में ले सकते हैं। इसका पर्पस AC हीटर पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। दोस्तों, आप पूछेंगे पावर सप्लाई क्या है, तो दोस्तों जो अपना बोर्ड से लेके जो MCB बोर्ड तक जो अपनी वायर जाता है, तो दोस्तों उसी को सप्लाई बोलते हैं। और दोस्तों, इन्हीं में इस वायर को यूज किया जाता है। हमारी लिस्ट में 4 mm की वायर भी आती है। दोस्तों, जो अपना 4 mm का वायर है वो यूज इधर पे आता है दोस्तों। जैसे ये मान लीजिए अपना पहला कमरा है और ये अपना दूसरा कमरा, जो अपना पहले कमरे में AC लगा है और ये दूसरे कमरे में अपना MCU बॉक्स है। इन दोनों कमरे की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में अपन 2.5 mm का जो वायर है वो नहीं चला सकते। जो 2.5 mm का वायर है वो नहीं चला सकते। इसमें दोस्तों अपन को जो अपना 4 mm का वायर है वो ही चलाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर अपन इसको 2.5 mm की वायर पे चलाते हैं तो दोस्तों इसकी जो दूरी है काफ़ी ज़्यादा हो रहेगी, क्योंकि जो वायर है अपना उसमें हीटिंग भी होगी दोस्तों, तो उसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए अपन इसको 4 mm, जो अपना 4 mm का वायर है उसको यूज करेंगे दोस्तों अपन। अब दोस्तों, अपने लिस्ट में 6 mm का वायर भी है दोस्तों। जो अपना 6 mm का वायर है वो घर की किसी भी, मतलब घर के अंदर किसी भी फिटिंग के अंदर यूज नहीं किया जाता दोस्तों, वो अकेला यूज किया जाता है दोस्तों जो अपना MCU से लेकर जो अपना मीटर बॉक्स रहता है उसके अंदर यूज किया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों जैसे आपका AC अगर जैसे 2-3 टन का है तो उसके अंदर यूज किया जा सकता है बड़ा सा। अगर नहीं तो जो अपना MCU बॉक्स है, MCU बॉक्स से जो अपना मीटर रहता है, मीटर बॉक्स, उसके अंदर यूज किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके कलर कोडिंग की बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी कई कलर आते हैं, मल्टी कलर आते हैं दोस्तों। दोस्तों, अपन बात करते हैं 10 mm की वायर। अब दोस्तों, 10 mm की वायर को कहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों? घर की किसी भी फिटिंग में 10 mm का वायर को यूज नहीं करेंगे।
दोस्तों जो 10 mm का वायर यूज होता है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में यूज होता है, जैसे कि बड़े बड़े फैन रहते हैं, बड़े बड़े मतलब कि एसी वगैरह रहते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है दोस्तों। जो अपना 10 mm का वायर है उनके अंदर यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो अपना 10 mm का वायर वो फाइनल है, वो 10 mm का वायर घर की वायरिंग के लिए यूज नहीं किया जाता दोस्तों। जो अपना 75 mm का वायर है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। जो 1 mm का वायर है वो पॉइंट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जो 1.5 mm का वायर है वो स्विच बोर्ड के वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जो अपना 2.5 mm का वायर है वो स्विच बोर्ड से जो अपना MC बॉक्स है उसके लिए यूज किया जाता है। जो अपना 4 mm का वायर है वो AC वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और जो 6 mm का वायर है वो अपना जो MCB बॉक्स से जो मीटर बॉक्स रहता है उसके लिए यूज किया जाता है। जो अपना 10 mm का वायर है वो अपना जो बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जो अपनी लाइनें हैं वो काम करती हैं। तो दोस्तों अगर आपके लिए इस विषय में अगर नॉलेज नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो आप छोटे घर वगैरह में काम कर सकते हैं, जैसे बड़े मकान वगैरह में काम आप नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें